हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीनम। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, मोदी सर ने मानहानी केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है, राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है, यानी कहा जा सकता है कि एक बड़ी राहत। हालांकि दोष सिद्ध होने तक अभी जो फिलहाल पिछला रोक था उसे बरकरार रखा गया है। तो मोदी सर ने मानहानि केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगी है, राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिली है। अगर सजा पर रोक लगी है तो क्या उनकी सदस्यता एक बार फिर से बहाल होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बड़ी खबर ये कही जा सकती है। तो बड़ी खबर ही हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मोदी सर ने मानहानि केस को लेकर जो सजा सुनाई गई थी राहुल गांधी को और साथ ही जो सदस्यता रद्द की गई थी, क्या वो एक्शन वापस होगा, ये एक बड़ी खबर इस वक्त। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, वाकई एक बड़ी खबर राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस की में जो राहुल गांधी की सदस्यता जिसे रद्द कर किया गया था वो अब बहाल होगी? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से राहुल गांधी की सदस्यता बिल्कुल बहाल होगी और राहुल गांधी दोबारा संसद में जाएंगे और जो भी एक सांसद को सुविधाएं फिलहाल मिलती है वो राहुल गांधी को मिलेगी, चाहे वो बंगला अलॉट का मामला हो, चाहे वो संसद में फिर से एंट्री करने का मामला हो। लोकसभा स्पीकर को अब तुरंत इस पूरे मामले में एक लेटर जारी करना होगा और राहुल गांधी को दोबारा सांसद के तौर पर उनको आमंत्रित करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान कई तथ्य रखे गए। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से साफ तौर से यह कहा गया कि राहुल गांधी कोई बड़े अपराधी नहीं है, वो एक सम्मानित सांसद हैं और ऐसे में इतना कोई बड़ा बयान नहीं था जिस पर 2 साल की सजा उनको दे दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की सजा पर जो बहस हुई है उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और उस पर कहा कि हाई कोर्ट को फिलहाल इस पूरे मामले पर विचार करने की आवश्यकता थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर एक बड़ा रोक लगाते हुए उनकी सदस्यता को फिर से बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। राहुल गांधी अब न केवल सांसद होंगे बल्कि भविष्य में चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिलती तो अगले 8 साल तक राहुल गांधी ना तो चुनाव लड़ सकते थे और ना वो सांसद के तौर पर। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि अभी अविश्वास प्रस्ताव भी एनडीए गवर्नमेंट को लेकर आने वाला है और विपक्ष लेकर आ रही है, तो क्या ये मानकर हम चले कि अगर सदस्यता बहाल होगी, अगर वो कार्यवाही में शामिल होंगे तो फिर अविश्वास प्रस्ताव में भी वो बोलेंगे, शामिल होंगे, ये मानकर चले सुशील? जी देखिए, 11 अगस्त तक फिलहाल संसद का सत्र फिलहाल अभी चलने वाला है। चूंकि साफ तौर से अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से यह कहा गया कि जहां से सांसद राहुल गांधी थे वहां पर अभी चुनाव आयोग की तरफ से दोबारा चुनाव करवाने की घोषणा नहीं की गई है, यानी कि अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो यह तय है कि राहुल गांधी को अब फिलहाल लोकसभा स्पीकर के द्वारा दोबारा कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एज अ सांसद के तौर पर पत्र लिखा जाएगा और वो दोबारा सांसद में जा सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अविश्वास प्रस्ताव का फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के मामले में जो बहस होनी है विपक्ष को लेकर, उसमें राहुल गांधी हिस्सा लें। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला फिलहाल माना जा सकता है, क्योंकि न केवल ये एक कांग्रेस पार्टी की जीत है बल्कि ये विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को विपक्ष के लिए भी एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल न केवल कांग्रेस को लीड कर रहे हैं बल्कि विपक्ष में एक बड़े। बिल्कुल, और सरकार पर यह आरोप भी लगाते रहे हैं कि आनन फानन में इस तरह के फैसले ले लिए जाते हैं, इस पर थोड़ा सा रुकना चाहिए फैसला आने तक, लेकिन उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी के मामले में उन पर सजा से रोक है, इसलिए शायद उनकी सदस्यता भी जल्द से जल्द बहाल हो जाए और एक बार फिर से वो सदन में दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोर्ट ने यह कहा है कि ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने मैक्सिमम कन्वेक्शन किया सेंटेंस पे, क्योंकि उसमें फाइन एंड बोथ दोनों है, तो ट्रायल कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने सेंटेंस फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस, तो उन्होंने वो क्यों किया है? और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट एंड महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटखा परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है।